इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के बोरिंग रोड इलाके में स्थित यमुना अपार्टमेंट के पास भीषण आग लग गई। ये लपटें उठती आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। सबसे पहली तस्वीर कशिश न्यूज ने आपको दिखाई और भीषण आग लगी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था, लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए थे। आनन फानन में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। पटना के पश्चिमी आनंदपुरी में एक अपार्टमेंट में भयंकर आग लगी है। हम लोग इस समय घटनास्थल पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सामने में सुपर सिटी इनक्लेव अपार्टमेंट है, सबसे टॉप फ्लोर पर यह आग लगी है। चार फ्लैट में ये इफेक्टेड हुआ है और दमकल की गाड़ियां पहुंची। सबसे बड़ी बात है कि ये जो अपार्टमेंट बना है सकरी गलियों में है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कैमरामैन से बोलेंगे कि पीछे दिखाइए कि दमकल की गाड़ियां भी यहां नहीं पहुंच पा रही हैं। सबसे बड़ी बात है आम आदमी को आने में परेशानी हो रही है, गाड़ी तो आई नहीं। देखिए दमकल की गाड़ी को कहां रखा गया है वो दिखाते हैं, ये इसका प्रमाण है कि यहां तक वो गाड़ी नहीं आ पाएगी। तो इस तरह के अपार्टमेंट बने हैं और इसमें आग लगा है, तो आग बुझाने में काफी परेशानी हुई है। और देख लीजिए कि कहां दमकल की गाड़ी है और अपार्टमेंट कहां है, और यहां आग बुझाने का यंत्र भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। कैमरामैन से बोलेंगे कि देखिए वो बंद है, जो पानी जिस पानी के जरिए आग को बुझाने की कोशिश की जानी चाहिए थी वो बंद है, लॉक है। और देखिए लोग तो लगे हुए हैं, दमकल की 12 गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन सभी की सभी यहां से आधा किलोमीटर दूर से पाइप के जरिए पानी यहां सप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां का पानी बंद है। और देखिए बात करते हैं कुछ प्रत्यक्षदर्शी है, कैसे कब पता चला आप लोग कि यहां आग लगा हुआ है? हम लोग तो बगल से आए हैं, वही 2 बजे के करीब में लगा। क्या पता चला कैसे आग लगा, कुछ पता चल पा रहा है? पता तो ये हमको मेरी फ्रेंड है यही बताई, ये बताई मेरे बगल में हम रहते हैं। धुआं काफी काला काला धुआं निकला है। कितने बजे? मैंने लगभग 2 बजे के करीब। ये सकरी गली है और इसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम, हम लोग तो देख के धुआं देख के ही नीचे उतर के आए हैं, अपने फ्लैट से आगे से दरवाजा लगा के बाहर देखने आए हैं। पड़ोसी में ऐसी ऐसी बात हुई है, बिल्डर साहब थोड़ा मूर्छित हुए हैं, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अच्छा, अभी वहाँ से क्या सूचना है कैसे हैं? मतलब कितने लोग जले हैं? मूर्छित हुए हैं, जले कोई नहीं है। ज्यादा दिक्कत हुआ है बिल्डर साहब को, वो सबसे ऊपर वाले फ्लैट पे रहते थे जो सुनने में आया है, सबसे ऊपर में रहते थे। अभी भी लेकिन धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, अभी लगे हुए हैं सब, फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि जिस तरह से ये दमकल आया बाहर से, लेकिन पानी चारों तरफ तीन तरफ से इसका रास्ता है, लेकिन सब तीनों रास्ता एकदम सकरी गली है, पतली गली है, पतली गली है, सब यही जो है, इसलिए गाड़ी पहुँचने में आ गई है लेकिन बुझाने में दिक्कत हुई है। तो आपने सुना कि किस तरह से सकरी गली है, तीन दरवाजे होते हुए भी सकरी गली में गाड़ी नहीं पहुंच पा रहा है। हम बात करते हैं, देखिए दमकल फायर ब्रिगेड के एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर क्या प्राइमा फेसिया क्या लग रहा है, कैसे ये आगे? देखिए प्राइमा फेसी तो दो कारण मुख्य तो हो सकते हैं, या तो शॉर्ट सर्किट लगी हो या फिर किचन में लगी आग हो सकती है। तो इसके असली कारणों का पता लगाने हम लोग जब घटना की एनालिसिस करेंगे तभी पता पाएंगे। अभी फिलहाल आग नियंत्रण में है पूर्ण रूप से और अंदर कोई फंसा नहीं है। हमारी टीम अंदर में, सभी जितने फ्लैट जो प्रभावित हुए हैं उनमें सभी हमारी टीम अंदर में है और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी कोई चिंगारी वगैरह बची ना हो, तो ये हम लोग सुनिश्चित करके देख लेंगे। और जो कारण आप पूछ रहे हैं, तो कारण का घटना के इसके बाद हम बिजली अभियंताओं से इसकी जाँच कराई जाएगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हो सकता कि अधिक लोड पड़ रहा होगा। जो जनरली लोग इलेक्ट्रिकल लोड एनालिसिस नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और शॉर्ट सर्किट होती है, और या फिर कई बार किचन में गैस वैस खुली रहती है उसके भी आग लग जाती है, तो उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे एनालिसिस के बाद। गाड़ी आपकी बहुत दूर खड़ी है, बड़ा परेशानी हुई होगी। दिक्कत है कि संकरी गली है हमारी, बड़ी गाड़ी है जो बाउजर वगैरह है और बीच में पोल्स भी बेतरतीब से लगे हैं जिससे आने में दिक्कत हुई है, लेकिन वो चैलेंजेस थे, लेकिन हमने रिले करके यहाँ पर हमारे जो पानी पहुंचे जी है आधा किलोमीटर से ज्यादा हमने रिले कराया है पानी को। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हम इसके लिए तैयार रहते हैं, किसी प्रकार की परिस्थिति के लिए बिहार अग्निशमन सेवा हमारी तैयार रहती है और जो भी चैलेंजेस आते हैं हम लोग ओवरकम करते हैं और हमारी पूरी तत्परता उस मुसाइल से काम करते हैं। लेकिन इसमें भी तो अग्नि बुझाने के लिए दीजिए, देखिए सामने में दिखाई दे रहा पाइप इसका यूज नहीं किया गया। ये यहाँ पर जो लगाया गया है यहाँ कार्यरत नहीं है, फंक्शनल यहाँ पर नहीं है। हमने पाया जब यूज करने गए तो ये फंक्शनल नहीं था, इसके लिए यहाँ पर जो बिल्डिंग डेवलपर थे उनसे शोकॉस किया जाएगा
कि जो फायर सेफ्टी यहाँ पर अपैरेटस लगे हुए हैं तो उसको क्यों नहीं कार्यरत रखा गया है। ये बिल्डिंग्स की जिम्मेदारी है, जो भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पर जो रेसिडेंट एसोसिएशन होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने जो भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हैं उसको कार्यरत रखें। और हम लोग हमेशा जन जागरूकता से पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि जितने भी फायर सेफ्टी डिवाइसेस हैं काइंडली उसको एक्टिवेट रखिए ताकि किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी सिचुएशन हो उसका हम लोग इस्तेमाल कर पाए। अभी तक क्या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2-3 लोग उसमें दम घुटे हैं, तो नहीं दम नहीं घुटे हैं, फंस गए थे वो लोग, उनको 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है हमारे अग्निशमन सेवा के द्वारा और उनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। तो अभी सभी कोई खतरे में नहीं है, किसी प्रकार की उनको चोट नहीं आई है। थोड़ा शॉक हो जाता है घटने से, आदमी थोड़ा बदहवास हो जाते हैं, लेकिन हमारे कर्मी भी और जिनको रेस्क्यू किया गया दे आर ऑल सेफ। कितने इक्विपमेंट लगाए, कितने आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लाई हैं, छोटी गाड़ियां आपने अंदर घुसाई हैं? हमारी लगभग 13 गाड़ियां हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग वाटर हाइड्रेंट, वाटर बाउजर, वाटर टेंडर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हमारी अंदर नहीं आ पाई चूंकि काफी बड़ी गाड़ी होती है। हमारी एम्प्टी व्हीकल वगैरह लगी हुई है और 4 फायर स्टेशन की टीम यहाँ पर इंक्लूडिंग द DFO यहाँ पर उन्होंने अपना रिस्पांस किया। यहाँ पर देखिए जिस तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर ने बात बताई कि यहाँ जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो कार्यरत नहीं है, इनको अपने बल पे ये आग बुझाना पड़ा है। स्थिति कंट्रोल में है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हाइड्रो चलिए तो गनीमत है, आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के वजहों की जांच की जा रही है और जिस तरह से यहां अग्निशमन से जुड़े उपकरण एक्टिव स्थिति में नहीं थे, चालू हालत में नहीं थे, उसको लेकर बिल्डर से सो कॉज भी किया जाएगा। संकरे रास्ते के कारण वहां चुनौती का सामना दमकल की टीम को करना पड़ा, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाते हुए आग पर काबू पा लिया गया।